अगली खबर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है भिंड से, जहां 3 कैदी पुलिस वाहन से फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर ये भिंड से आ रही है। आपको बता दें, हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को वह गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भिंड से ये खबर है, पुलिस वाहन से 3 कैदी फरार हुए। महगांव रोड के गाता गाँव के पास से भागे हैं कैदी। एक कैदी और एक सेवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अज्ञात लोगों ने पुलिस वाहन रोककर कैदियों को भगाया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र ओझा, संवाददाता भिंड से। धर्मेंद्र, बड़ी खबर, पुलिस वाहन से 3 कैदी फरार हो गए हैं, क्या है पूरा मामला? जी सर, अज्ञात वाहन से कुछ 3-4 लोग आए थे, जिन्होंने सरकारी वैन को रोककर और कैदियों को भगाने में मदद की है। वहीं पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो वहाँ तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, 2 बदमाशों को वहीं से पकड़ लिया गया है। बैर से अभी और है मिल नहीं पा रहे, इसके लिए महगांव पुलिस पूरी तरह से लगी है, मौ पुलिस पूरी तरह से लगी है और भिंड से भी बल फोर्स पहुंच गया है। इस विषय में हमारी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्द जो फरार है उसको भी पकड़ने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और जिस तरह से 3 कैदियों की बात है, अज्ञात लोगों ने पुलिस वाहन को रोककर कैदियों को भगाने में मदद की है, और ये कहा जा रहा है कि बिहड़ के जंगलों में सर्चिंग की जा रही है। अमायन थाने में 3 के खिलाफ जो है मामले भी दर्ज थे, लेकिन जिस तरह से अज्ञात लोगों की बात निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से सामने आ रही है? कहीं ना कहीं पुलिस की ढील को रहती है, भिंड जिले में अक्सर पुलिस बहुत पीछे रहती है। जितने भी माफिया हों या गुंडे हों, ये पुलिस से बहुत आगे हैं और पुलिस अपना सिकंचा नहीं लगा पाती, उससे पहले गुंडे लोग इन पे अपराध लौट के कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की इसमें ढील पोल पाई जा रही है, जो कि इतने बड़े अपराधियों को 3-4 सिपाहियों के बदौलत भेज दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये शासन की ढील है। चलिए, तमाम मदद के लिए आपका शुक्रिया धर्मेंद्र ओझा। तो खबर भिंड से, जहां पुलिस वहां से 3 कैदियों के फरार होने की खबर सामने आ रही है। मेगांव रोड के गाता गांव के पास भागे हैं ये कैदी। एक कैदी और एक सेवक को हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है। अज्ञात लोगों ने, कहा जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने पुलिस वाहन को रोका था और कैदियों को भगाने में मदद की थी। आपको बता दें, कई थानों की पुलिस बिहड़ में सर्चिंग कर रही है इन कैदियों को वापस पकड़ने को लेकर, और अमायन थाने में इन कैदियों के खिलाफ मामले भी दर्ज हैं।